सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। धर्म के 10 लक्षण और यम नियमों पर संयुक्त रूप से हम चर्चा कर रहे थे और इस व्याख्यान माला की यह अंतिम कक्षा है। आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्मचर्य और ईश्वर प्रणिधान। ये यम नियमों के अंतर्गत आते हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, यानी यमों में अंतिम और नियमों में अंतिम। तो ब्रह्मचर्य और अब हम ईश्वर प्रणिधान पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्य योग के आधारभूत स्तंभों में से एक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना, विद्या का ग्रहण करना। यह वैदिक धर्म वर्णाश्रम का पहला आश्रम भी है, जिसके अनुसार 0 से 25 वर्ष तक की अवस्था आती है, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। जिस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से असाधारण ज्ञान पाया जा सकता है। वैदिक काल और वर्तमान काल में जितने भी ऋषि विद्वान हुए उन्होंने इसका ही अनुसरण किया है, इसी को ही महत्वपूर्ण माना है। क्यों माना है? हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में जितना महत्व है प्राण वायु का है जीवन जीने के लिए, उतना ही महत्व है ब्रह्मचर्य का है। आज से पहले हजारों वर्षों में से हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य की साधना करते आए, तप करते आए। क्यों करते आए? क्योंकि इसी का पालन करने में, इसी की साधना करने में सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। महानुभावों, मनुष्य को तभी बुद्धिमान कह सकते हैं जब वह सांसारिक पदार्थों एवं घटनाओं का अध्ययन करके अपनी मानसिक उत्तेजनाओं का समाधान कर लिया करे। बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके शरीर कैसे हैं, सूखे हैं, निर्बल हैं, शक्तिहीन हैं, और दूसरी ओर कुछ लोग कैसे हैं, हट्टे कट्टे हैं, स्वस्थ हैं, बलिष्ठ हैं, तंदुरुस्त हैं। तो कुछ स्वस्थ पुरुषों को तो खान पान की अच्छी सुविधाएं रही होंगी, ऐसा मान सकते हैं, इसलिए वो ऐसे दिखाई देते हैं। किंतु यदि आवरण की गहराई में देख करके जाने तो पता चलता है कि जो दुर्बल व्यक्ति है, जो कुरूप व्यक्ति है, जिसके चेहरे पर ओज तेज नहीं है, उसका अर्थ यह है कि उसका जीवन असंयमित है। उसने वीर का रक्षण नहीं किया, उसने वीर का विनाश किया है। प्रायः लोगों की उंगलियां पतली हो जाती हैं, हाथ पतले हो जाते हैं, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, गाल चपटे हो जाते हैं, सिर में दर्द रहता है और बार बार क्रोध आता है, हाइपर हो जाते हैं, पसीना बहुत निकलता है। ये जो शारीरिक लक्षण है ये बताते हैं कि इसका जीवन असंयमी रहा। तो विचार ये करना चाहिए कि क्षणिक रस के लिए मैं शक्तिहीन क्यों बनूं? जिस वीर में संतान उत्पादन
करने की शक्ति भरी पड़ी हो, उसे मैं व्यथा ही क्यों नष्ट करूं? जीवन को आह्लादित, उल्लसित, चमकदार रखने वाले द्रव्य का पतन क्या अच्छी बात है? परमात्मा की शक्ति को विनष्ट करना वास्तव में देखा जाए तो गैर जिम्मेदारान हरकत है। तो ये अपराध है, तो विचार करें कि मैं अपराधी क्यों बनूं? इन विचारों को व्यक्ति यदि प्रतिदिन ध्यान में लगाएगा तो वो मानसिक विग्रह स्थिति में बार बार गहराई से विचार करेगा तो वो पतन की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि वीर रक्षा करने वाले मनुष्य वास्तव में इस संसार का सुख भोगते हैं, और जो वीरहीन हैं वो क्या करते हैं? वो दुख भोगते हैं, मानसिक क्लेश उनको अधिक होता है, शारीरिक संताप उनका अधिक होता है, और उत्साह की कमी विशेष देखी जाती है। आलस्य प्रमाद उनमें अधिक देखा जाएगा, चंचलता उनके अंदर अधिक देखा जाएगा, क्रोध आवेश विद्वेष की भावना उनके अंदर अधिक देखी जाएगी, जिनके अंदर वीर रक्षा नहीं है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है। तो संसार के किसी भी बाह्य पदार्थ को अपने सुख का कारण न मानना, मनुष्य को के सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का परिचायक है। सुख विचार की वस्तु है, भावना से प्राप्त होता है। स्वस्थ भावनाएं और बलिष्ठ विचार से आमोद उत्पन्न होता है, पर विचारों की सक्रियता और भावनाओं की मस्ती तो ब्रह्मचर्य से ही प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शक्ति सुख का मूल है। यह समझकर अपनी शारीरिक शक्ति का अपव्यय रोकने में ही चतुरता है। बाह्य पदार्थों को सुख का आधार बनाकर मनुष्य की बंधन दशा और अज्ञान की अब ब्रह्मचारिणी स्थिति है, इससे तो निश्चित ही मनुष्य का पतन होता है। कामुकता प्रायः अशुभ चिंतन से, अश्लील दृश्यों के अवलोकन से या वार वार मनन करने से आती है। आचरण का बीज विचार और विचारों को यदि सत्य की ओर या रचनात्मक कार्यों की ओर लगाए रहें तो उन्हीं में सुख अनुभव करें तो ब्रह्मचर्य की एक बहुत बड़ी कठिनाई हल हो जाएगी। 8 प्रकार के मैथुनों का वर्णन किया कि विषय प्रसंग मेल का फीमेल के प्रति, फीमेल का मेल के प्रति, लड़का का लड़की के प्रति, लड़की का लड़की के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण के कारण को दूर रखें, परस्पर पर वार्ता ना करें, एकांत सेवन ना करें, स्पर्श की भावना ना करें, चिंतन की भावना ना करें, आदि आदि जिनको थोड़ी देर से और आगे बताए जाएंगे। तो जिसका मन किसी वस्तु या व्यक्ति में आसक्त तो हो चुका है, उसके ना रहने या ना मिलने पर दुख होता है और उसका ही आश्रित परावलंबी वो बन जाता है। ऐसे में क्या होता है, वो अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर पाता। अतः अपने आप को के स्वरूप को सदैव ध्यान में रखकर जीवन के क्रम को चलाना चाहिए, तभी ब्रह्मचर्य की नैष्ठिक स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। ये विचार करें कि भाई मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ है, मुझे शरीर इसलिए नहीं मिला है कि मैं विषयों की ओर आसक्त हूँ, मैं सुख चाहता हूँ, और सुख का मूल्य तो ब्रह्मचर्य की साधना में है। अथर्वेद पूरा ब्रह्मचर्य सूक्त से ओतप्रोत है और उसका नाम ही ब्रह्मचर्य सूक्त पड़ गया है, और बहुत अच्छी शिक्षाएं अथर्ववेद के अंतर्गत आती हैं। ब्रह्मचारी वही है जो तप इंद्रिय से, इंद्रियों के संयम से अपने आचार्य को प्रसन्न करे, यानी समस्त विद्यार्थियों को अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव रखनी चाहिए, उनके प्रति गुडविल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा भाव रखेंगे और इंद्रिय जित बनेंगे, इंद्रिय संयमी बनेंगे, तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। गीता में कहा, श्रद्धावान लवते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धावान है अपने गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति, वही विद्या को प्राप्त करते हैं। और जो तत्पर हैं, किसमें तत्पर हैं?
इंद्रियों के संयम करने में जो तत्पर हैं वही विद्या को प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा है एक प्रकार से पर्यावरण संरक्षण, वह सभी देवताओं को प्रसन्न करना। सर्वांत देवांस पात्र पिपर्ति, यहां देवता का अर्थ है वह प्राकृतिक वस्तु जो हमें कुछ देता है। इसके अनुसार सूर्य हमें प्रकाश देता है, वनस्पति हमारे लिए अनेक अनेक फल अन्न औषधि ईंधन आदि देते हैं, पृथ्वी हमारे लिए अन्न खनिज आदि प्रभूत वस्तुएं प्रदान करती हैं। अतः ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये वनस्पति, ये सब कौन है? देवता है। ददाति इति देवता, इसका अभिप्राय है कि ब्रह्मचारी को अपने गुणों से पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। अथर्वेद परामर्श देता है कि विद्या के अर्जन के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण पर भी विद्यार्थी को कार्य करना चाहिए। ये हमें ब्रह्मचर्य सूक्त से पता चलता है। अथर्वेद के जो ब्रह्मचर्य सूक्त है उसका तीसरा गुण है कि लोग अपने जीवन को कल्याणकारी कर्मों में लगाए। ब्रह्मचारी समिधा मेखलया शर्मेण लोकांश तपसा पे पड़ती। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह अपने तप से यानी परोपकारी कर्म करते हुए यज्ञ सत्संगति करे, कटिबद्ध होकर के समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे तथा परिश्रम पूर्वक लोगों को प्रसन्न रखने का प्रयास करे। आज के समस्त ब्रह्मचारियों विद्यार्थियों को इन्हीं गुणों की महती आवश्यकता है, क्योंकि समाज तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी भावी पीढ़ी अलर्ट रहेगी, हार्डवर्क करेगी और स्वयं के चरित्र का भी वो निर्माण करेगी। लेकिन स्वयं के चरित्र का निर्माण कैसे हो? आज के जो ब्रह्मचारी हैं, जो स्टूडेंट हैं, छठवीं सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं के बच्चे, कॉलेज तो बड़ी बात है, जो मिडिल क्लास और हाई स्कूल के बच्चे हैं वो प्रायः स्कूल में कैसे जाते हैं? श्रृंगार करके, फैशन करते हुए। जो लेटेस्ट फैशन होता है वो फैशन सबसे पहले विद्यार्थियों के अंतर्गत आ जाता है। लड़कियां लिपस्टिक लगा करके जाती हैं, आईब्रो बना करके जाती हैं, सेंट मार करके जाती हैं, और लड़के भी कोई कम नहीं है, वो भी उनसे बढ़ चढ़ करके जाते हैं। अब हमारे यहाँ की मान्यता क्या है? गुरु पिता के समान होता है और पिता से जो पढ़ते हैं वो गुरु भाई के सदृश होते हैं। अब उसी गुरु से कन्याएं भी पढ़ रही हैं और उसी गुरु से बालक भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल तो को एजुकेशन का जमाना है, लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं। तो दोनों के लिए वो पिता तुल्य हुआ। तो जब दोनों के लिए वो पिता तुल्य हुआ तो पिता की ये संतानें क्या भाई बहन के सदृश नहीं होंगी? निसंदेह होंगी, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। जब गुरु भाई माना जाता है तो इस प्रकार से अगर लड़की का भी वही गुरु है और लड़के का भी वही गुरु है तो आपस में उनका संबंध क्या रहा? आपस में तो उनका संबंध भाई बहन के जैसे ही रहा। तो विचार करिए, वो बहन किस भाई को आकर्षित करने के लिए जा रही है और वो भाई किस बहन को आकर्षित करने के लिए जा रहा है। और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि माता पिता उनको स्कूल भेज रहे हैं या फैशन कॉलेज में भेज रहे हैं, मॉडलिंग करने के लिए भेज रहे हैं। माता पिता प्राय चेक नहीं कर पाते। बच्चे घर पर तो लिपस्टिक नहीं लगाते लेकिन बैग में लिपस्टिक रखी रहती है, शीशा रखा रहता है और रास्ते में जाकर के वो लिपस्टिक पोत करके जाते हैं। क्यों? आपका कार्य क्या है? आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? प्रेजेंट वर्क क्या है? आपका वर्तमान उद्देश्य ये है कि आप शिक्षा को ग्रहण करें, ना कि किसी पुरुष को आकर्षित करें। और यही नियम पुरुषों पर बनता है, युवकों पर बनता है, लड़कों पर बनता है, छात्रों पर बनता है कि आप विद्या का अर्जन करने जा रहे हैं, आप किसी युवती को, कन्या को आकर्षित करने के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन माता पिता का बच्चों पर कोई फोकस नहीं रहता, वो भी प्रेम से गाल पर चुंबन देकर के बच्चों को विदा करते हैं, बाय बेटा बाय बेटी टेक केयर। और उधर जो टीचर हैं
वो भी माइंड ब्लोइंग है, वो भी फुल फैशन में स्कूल में आते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि विद्या का मंदिर है, वो भी फुल फैशन में आते हैं और उनका व्यवहार भी ज्यादा आदर्श नहीं रहता। तो ब्रह्मचर्य की अवधारणा का पालन नहीं किया गया, जो सनातन नियम है, मर्यादा है, उनका पालन नहीं किया गया, तो क्या देखा जाता है कि एक टीचर दूसरे टीचर पर आ सकते हैं, अथवा कोई टीचर किसी स्टूडेंट पर आ सकते हैं, अथवा कोई स्टूडेंट कोई टीचर पर आ सकता है, क्योंकि वातावरण विद्या का नहीं है, वातावरण श्रृंगार का है, प्रदर्शन का है। तो श्रृंगार और प्रदर्शन क्या करता है? श्रृंगार प्रदर्शन ब्रह्मचर्य का नाश कराता है। और उस अवस्था में ब्रह्मचर्य का नाश होता है तो विचार कीजिए, जब नींव ही कमजोर हो गई है तो वो इमारत कैसी होगी, उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। इसलिए कहा, काणम वस्त्राणो दीक्षितो दीर्घमश्रु, लोक कल्याण हेतु सत्य एवं धर्मायता का पालन करते हुए व्रत लिया हुआ विद्यार्थी क्या करे? वो काजल ना लगाए, मनुस्मृति में निषेध किया, छाते का प्रयोग ना करे, आंखों में काजल ना लगाए, माला का धारण ना करे, छत्र का धारण ना करे, जूते चप्पल ना पहने, सेंटमेंट ना लगाए, शादी वेशभूषा ब्रह्मचारी की हो, उसका जीवन तपश्चर्या प्रधान हो, बाहर से लीपा पोती उसके नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, यदि व्यक्ति की बाहर से बहुत लीपापोती हो रही है, वो बाहर से बहुत आकर्षक लग रहा है, तो उसके आकर्षक दिखने से क्या मन में उसके प्रति आकर्षण जागृत नहीं होता? होता है। और यदि वही व्यक्ति जो सुंदर है, रूपवान है, लेकिन श्रृंगार से रहित है, फैशन से रहित है, बाहरी प्रपंच आकर्षण से वो रहित है, तो उसके शरीर के प्रति क्या दूसरे व्यक्ति का आकर्षण जागृत होगा? नहीं होगा। तो आकर्षण को जागृत करने का कारण क्या है? ये श्रृंगार, ये फैशन, ये मॉडलिंग, ये डिजाइनिंग, ये ब्रह्मचर्य का नाश कराने वाली होती है। फिर कहते हैं समाज में व्यभिचार बढ़ रहा है, लोगों पर अंकुश नहीं है, लड़कियां सुधर नहीं रही हैं, लड़कों को तमीज नहीं है, जबकि ये सारी चीजें कर कौन रहा है? इन सबको निमंत्रण दे कौन रहा है? इन सबको निमंत्रण देने वाले तो स्वयं हैं, खुद ऐसा माहौल बना करके बैठे हैं, खुद सज धज करके मार्केट में बेचने के लिए बैठे हैं, और फिर लोग कहते हैं कि ये तो खरीदने आ रहा है। अरे व्यक्ति तुम्हें, तुम्हारा मूल्य लगाने तुम्हें खरीदने नहीं आएगा तो क्या करेगा? तुमने अपने आप को बना ही ऐसा रखा है। तो शास्त्र कहते हैं कि नहीं, ये गलत काम है। आपका प्रारंभिक चरण है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, आप विद्या का अर्जन करें, आप ईश्वर का चिंतन करें, आप विद्या की उपासना करें, आप ईश्वर की उपासना करें, आप साधना में जीवन जिए, आप उस समय लड़का लड़की की उपासना न करें, लड़की लड़के की उपासना न करें, लड़का लड़की का चिंतन न करें, लड़की लड़के का चिंतन न करें, और दोनों एक दूसरे को देख करके जीवन का ध्येय ना बनाए, क्योंकि उस समय जीवन का ध्येय बनाना है विद्या को लेकर के। 14-15 वर्ष से लेकर के 24-25 वर्ष तक ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है व्यक्ति के जीवन के विकास का। और यदि यही समय दूसरे को आकर्षित करने में लगा दिया तो समझ लीजिए पूरे जीवन का आकर्षण आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह समय दूसरे को आकर्षित करने का नहीं है, यह संयमित होने का है, अपनी नींव मजबूत करने का है। लेकिन इसी समय, इसी अवस्था में जाकर के अनेक प्रकार के व्यसन बच्चों को लग जाते हैं। 8वीं में आते आते बच्चे एंड्रॉयड फोन का यूज करने लग जाते हैं, असली दृश्यों को देखने लग जाते हैं, चित्रों को देखने लग जाते हैं, गानों का श्रवण करने लग जाते हैं, हस्तमैथुन करने लग जाते हैं, और बहुत सारा उल्टे सीधे कामों में वो लिप्त हो जाते हैं। मिडिल क्लास के बच्चे ही सिगरेट पीना सीख जाते हैं, पुड़िया खाना सीख जाते हैं, और बहुत सारे शातिर बुद्धि वाले कार्य करना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता का उनके प्रति फोकस नहीं था, और जो पढ़ा रहे थे टीचर वो भी कोई विशेष आदर्श नहीं थे। इसलिए सनातन मान्यता ये कहती है, यम नियम ये कहते हैं, धर्म के 10 लक्षण ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। वो समय आपका केवल और केवल विद्या के अर्जन करने का है,
ना कि शारीरिक दैहिक प्रदर्शन करने का है। तो पाखंड अगर इसमें लगे रहेंगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य सूक्त कहता है कि आप संयमी बनो, जितेंद्रिय बनो, विद्या का अर्जन करो, ईश्वर के भक्त बनो, तब आप क्या कर पाओगे, जो पाखंडी हैं, जो आतताई हैं, आप उसका विनाश कर पाओगे। अथर्ववेद का ऋषि कहता है कि ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य में रहते हुए इंद्रिय के समान शक्तिशाली वज्रधारी बन करके जो असुर हैं, जो पाखंडी हैं, जो आतताई हैं, जो दुष्ट हैं, उनका संहार करे। यो ना विंद्रो ही ह भूत्वा सुरांश ततर ह, वस्तुतः अंधविश्वासों को दूर करना और दुष्टों का विनाश करना यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक और जीवन का मुख्य कर्तव्य है, जो तभी हो सकता है जब उसका आरंभिक चरण बहुत निष्ठावान, जितेंद्रिय, संयमी रहा हो। ब्रह्मचारी विद्वान एवं प्रजापालक बने। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वे आचार्य अर्थात पढ़ लिख कर विद्वान बने, शिष्टाचारी बने, प्रजापति यानी समाज का पालन करने वाला बने। आचार्यो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी प्रजापति। इसका स्पष्ट अभिप्राय है कि ब्रह्मचारी को प्रचुर विद्या अध्ययन करके प्रजाओं, परिवारों अथवा समाज का पालन पोषण करने का सामर्थ्य प्राप्त करना चाहिए, यानी कैपेबल होना चाहिए, योग्य बनना चाहिए, और युवा होने पर ही विवाह करें। भारत सरकार ने अब 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी, यानी ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए आपके पास और समय है, और अपने आप को बलिष्ठ बनाने का, और अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का, ज्येष्ठ बनाने का, और विद्या का अर्जन करने का आपके पास अवकाश है। अथर्ववेद कहता है ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्, यानी ब्रह्मचर्य का धारण करने के बाद ही कन्या युवा पति को प्राप्त करे। यानी ब्रह्मचर्य का धारण किया है तो ही आप विवाह करें। यदि आपने ब्रह्मचर्य का विधिवत विवाह नहीं किया है तो आप विवाह के अधिकारी नहीं है। मनुस्मृति में निषेध किया है, मनुस्मृति में विवाह के लिए कहा कि भाई चार वेद पढ़ो, तीन वेद पढ़ो, दो वेद पढ़ो, एक वेद पढ़ो, यानी वेद और वैदिक साहित्य पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, तो आप विवाह के अधिकारी हैं। और दूसरी कंडीशन दे दी, आप ब्रह्मचारी होने चाहिए। यदि आप ब्रह्मचारी हैं तो ही आप विवाह करिए, अगर आप ब्रह्मचारी नहीं है तो आपको विवाह का कोई अधिकार नहीं है, फिर वो दंडित किया जाएगा, आपको आदर्श नहीं माना जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये एकतरफा नियम चलता है। कौमारे का सर्टिफिकेट पुरुष वर्ग स्त्री से तो चाहते हैं, परंतु पुरुष वर्ग स्वयं का नहीं देना चाहता। वो ये तो चाहता है कि मेरा जो साथी है, जो स्त्री वर्ग है, वो उसका कौमारे भंग ना हुआ हो, और भले ही स्वयं कितनी बार कौमारे भंग कर चुका हो, विचार कीजिए, स्वयं ही आप अगर कौमारे भंग कर चुके हैं तो वो भी तो कोई ना कोई स्त्री ही थी, और वो स्त्री कभी ना कभी तो किसी की पत्नी बनेगी। तो ये समाज में व्यभिचार दोष बढ़ता है। विवाह से पूर्व व्यभिचार किया तो विवाह के पश्चात भी व्यभिचार ही होगा, और व्यभिचार जब परिवार में होने लगेंगे, समाज में होने लगेंगे, तो समाज समाज नहीं रहेगा, एक बहुत बड़ा दुष्प्रवृत्तियों का क्षेत्र बन जाएगा, स्थान बन जाएगा। और ब्रह्मचर्य ही एक ऐसा है जिससे मृत्यु को जीता जा सकता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मुपावनत। तो ब्रह्मचर्य से स्वास्थ्य लाभ बढ़ता है, आयु की प्राप्त होती है, दीर्घजीवी बनते हैं। तो ब्रह्मचर्य जो है वो सभी के लिए आवश्यक है, वो ब्रह्मचारी के लिए भी आवश्यक है, वो गृहस्थ के लिए भी आवश्यक है, वो वानप्रस्थी के लिए भी आवश्यक है, और संन्यास के लिए परम आवश्यक है। दो जो है आश्रम, उसके लिए अतिशय आवश्यक है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य और दूसरा आश्रम क्या है, संन्यास। इनमें तो कंपलसरी है कि वीर का एक बूंद भी निष्कासित ना होवे, और वानप्रस्थ के लिए कह दिया कि अब आप संयमित जीवन जिएंगे, आप स्त्री के संग तो रहें यदि रहना चाहें, लेकिन विषय सेवन नहीं करेंगे, साथ में शयन नहीं करेंगे, वहां पर निषेध कर दिया। पति पत्नी दोनों ही गृहस्थ से वानप्रस्थ की ओर जा सकते हैं,
लेकिन वानप्रस्थ में रह करके वो विषय प्रसंग ना करें, सेवा ले सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, लेकिन वो विषय सेवन ना करें, वहां पर इंद्रिय जित रहें, संयमित रहें और एक साथ शयन ना करें, एक बिस्तर पर ना शयन करें, वहां वानप्रस्थ में निषेध किया, इस प्रकार का उनको विधान कर दिया। और गृहस्थ के अंदर क्या कहा, गृहस्थ के अंदर कहा कि ऋतुगामी होवे, आप गृहस्थ में आए हैं, गृहस्थ जीवन में आप व्यतीत कर रहे हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया है और अंधाधुंध तरीके से आप वहां पर वीर्य का नाश करते रहें, ब्रह्मचर्य का विनाश करते रहें और आप व्यविचार करने लग जाएं। तो वहां पर नियम दे दिए, अमावस्या का नियम दे दिया, पूर्णिमा का नियम दे दिया, अष्टमी का नियम दे दिया कि आप, और पर्व विशेष पर दे दिया कि आप इन समय पर संसर्ग आदि नहीं करें, दिन के समय का निषेध कर दिया, दिन के समय का उन्होंने निषेध कर दिया, रात्रि के 10 बजे से और 2-3 बजे तक का ये समय उन्होंने संसर्ग का दिया। और ऋतुगामी होने के लिए बोला कि जब रजस्वला का समय निकलता है तो वहां से 16 दिन होते हैं, उन 16 दिन के भीतर ही आपको संतान उत्पत्ति के लिए ही संसर्ग करना है, उससे अतिरिक्त नहीं करना है। तो वहां पर गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य के पालन के लिए बड़ी दृढ़ता से कहा। तो ये ब्रह्मचर्य के विषय में मैंने यहां पर थोड़ी सी चर्चा रखी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन स्वस्थ होगा, तन पवित्र होगा, और जब मन कामों में नहीं लगेगा तब ही हम धर्म को जान पाएंगे, ईश्वर के प्रति हमारा चिंतन दृढ़ होगा। अर्थ कामेशु शक्तानाम, अर्थ में काम में जब आसक्ति नहीं होगी तभी ही धर्म की प्राप्ति होगी। तो ईश्वर परिणिधान, यदि विषयों का चिंतन करेंगे तो ईश्वर का चिंतन संभव नहीं है। तो ईश्वर परिणिधान तब ही संभव है जब जीवन संयमित है, इंद्रियों पर काबू कर रखा है, मन का दमन कर रखा है, वीर की रक्षा कर रखी है, और जो ऐसे दृश्य हैं उन दृश्यों से आपने अपने आप को हटा रखा है, जो प्रपंच है, जो आकर्षण है, उससे आपने जब अपने आप को हटा रखा है तब ही आप ईश्वर परिणिधान कर पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि मेरे अंदर ईश्वर है, मेरे बाहर ईश्वर है, मेरे आगे ईश्वर, मेरे पीछे ईश्वर, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उस कार्य को ईश्वर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, मैं मन में जो विचार करता हूं उसको वो समझते हैं, वाणी से जो बोलता हूं वो सिर्फ समझते हैं, और शरीर से जो कर रहा हूं सबको वो समझते हैं, उनसे छुप करके मैं कभी भी कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ये ईश्वर परिणिधान तभी संभव होगा जब जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और जो जितना जितना ब्रह्मचारी होगा वो उतना उतना ईश्वर परिणिधान कर पाएगा। और जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य का कोई स्थान नहीं है, निसंदेह वो जीवन में ईश्वर परिणिधान रख ही नहीं सकता। तो ईश्वर परिणिधान करने के लिए क्या करें, हम ईश्वर का धन्यवाद करना सीखें। यदि 24/7 हम ईश्वर को याद नहीं रख सकते तो जैसे कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता है तो सहायता के बदले हम धन्यवाद करते हैं, तो वैसे ही हम ईश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दें, ईश्वर को बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब सोकर के उठें तो ईश्वर का धन्यवाद करें, ईश्वर आपकी कृपा से आज का दिन मुझे कार्य करने के लिए मिल गया। जब पूरा दिन व्यतीत हो जाए और रात्रि में फिर शयन की बारी आए तो फिर ईश्वर का धन्यवाद करें, ईश्वर आपकी कृपा से आज मेरा दिन सुखपूर्वक बीता, जिस उद्देश्य और जिन संकल्पों को साथ लेकर के आज के दिन की शुरुआत हुई वो बहुत हद तक पूरे हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कल आपने फिर से अवसर दिया जागने का तो मैं फिर से आपकी कृपा से कार्य करूंगा। जब भोजन आए, ईश्वर आपकी कृपा से मैं भोजन कर पा रहा हूँ। जब अच्छा उत्साह मिले और सम्मान मिले आदि आदि क्षेत्रों में भी, फिर हमें धीरे धीरे ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो ईश्वर का धन्यवाद करते रहें, उसको स्मरण करते रहें, उसको जानते रहें, उसको समझते रहें, तो इस प्रकार से ईश्वर परिणिधान होगा। कभी आगे समय मिलेगा तो और भी चर्चाएं करेंगे, क्योंकि समय का विशेष अभाव है। तो अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिणिधान धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षणों पर और यम नियमों पर हमने संयुक्त रूप से चर्चा की। अब हम मनुस्मृति की कक्षा का आरंभ करेंगे।
और मनुस्मृति के सातवें अध्याय जो राजधर्म से संबंधित हैं, जिसमें अब राजधर्म का विषय आएगा, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, राजा के किस प्रकार के कर्तव्य होने चाहिए, जो विधान है वहाँ पर, संविधान है, कानून है, उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो प्रायश्चित विधान है, और भी बहुत सारी बातें वहाँ पर दी हुई हैं, तो उनको हम आगे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण। ओ